बगदाद शरीफ का एक बहुत बड़ा आदमी था, वो तवाफ के लिए आया, तो उसके साथ उसके खुद्दाम वगैरह थे और लोगों को धकेल रहे थे, हटा रहे थे और उस पार्टी के लिए रास्ता बना रहे थे। बड़े शान और शौकत के साथ उसने तवाफ किया, बड़ी इज्जत थी उसकी। वही बुजुर्ग फरमाते हैं कि कुछ अरसे के बाद मैंने उसी शख्स को बगदाद में देखा, बिल्कुल मफलूकुल हाल और गालिबन वो भीख मांग रहा था। तो मैंने जब उसको पहचाना तो मैंने कहा ये क्या, तू वही तो नहीं शान और शौकत के साथ तवाफ किया था तूने, और इतने खुद्दाम, ये सब क्या हो गया, ये ऐसे इनकलाब कैसे है। तो उसने इसका सबब ये बताया कि मैंने ऐसी जगह तकब्बुर किया जहाँ आजिज़ी की जाती है, तो मैंने वहाँ हरम में अपना ये अंदाज बनाया कि मेरे लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं लोगों को, इसकी मुझे सज़ा मिली है कि ये मेरा सब माल सब जाता रहा, मेरा हाल अब ये हो गया। तो ये दुनिया मतलब कल्टी पलटी होती रहती है। कई ऐसे मालदार आपने भी हो सकता है देखे हों कि अब कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो गए हों। इसमें यार इबरत है, अल्लाह का नेक बंदा बने, माल ये हाथ का मेल है, सिर्फ हलाल ले, हलाल में भी कोई फजीराई थोड़ी है कि इसकी कोई इतनी कोई फजीरत तो कुछ भी नहीं है इसकी, ये मुबाह है, हलाल माल जमा करना मुबाह, यानी ना सवाब ना गुना।